की लुटेरे पुलिस अधीक्षक के खिलाफ एफआईआर लिख ली गई है, जो दूसरों की एफआईआर लिखते थे उनके खिलाफ एफआईआर। एसपी महोबा मणिलाल पर केस दर्ज हो गया है, तत्कालीन एसपी महोबा समझिए नहीं आप, क्योंकि अब तो दूसरे नए आ गए। आईपीएस अफसर पर एफआईआर दर्ज हुई है, दो इंस्पेक्टरों पर भी अवैध वसूली की एफआईआर लिखी गई है। वसूली के लिए गोली मरवा देता था ये एसपी। मणिलाल पाटीदार यूपी का आईपीएस ऑफिसर है, डीजीपी के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। मणिलाल को कल सस्पेंड किया था। अब भरोसा किस पर करें, यकीन किस पर करें, जब पुलिस अधीक्षक ही इस तरह का कार्य करते हो और उनके खिलाफ ही एफआईआर हो रही है। प्रयागराज में भ्रष्टाचार के मामले, दूसरी तरफ आपके सामने ये खबर। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, किन किन धाराओं पर मणिलाल पाटीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, मणिलाल पाटीदार 2014 बैच के आईपीएस अफसर हैं जी, और ये वर्दी में लुटेरा है। वर्दी पहनकर एक डाकू की तरह उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना भ्रष्ट और इतना बड़ा डकैत आईपीएस अफसर शायद कभी मिला हो देखने को, जो खनन माफियाओं से सीधे पैसा लेता हो और पैसा बढ़ाने की डिमांड करता हो, जो पैसा न पाता उसके ऊपर मुकदमा लगाता और उसको गोली मरवा देता हो। तमाम सारे आरोप इस पर लगे हैं। आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी ने यहाँ हजरतगंज में लखनऊ में दो थाना अध्यक्षों, इंस्पेक्टरों और मणिलाल पाटीदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। तो डीजीपी के निर्देश पर यह मुकदमा हुआ है और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होगी कि मणिलाल पाटीदार ने अपने पहले जिले में तैनाती के दौरान इतनी बड़ी लूट कर दी, इतनी बड़ी उसने वसूली कर दी। पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वो अपराधियों से जनता की रक्षा करेगी, बिल्कुल खुद अपराधी और डकैत बन के जनता को लूटेगी। तो ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक मामला है और सरकार की नाक के लिए भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इसने सरकार की नाक कटवा दी है पूरी तरह से मणिलाल ने। जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, उसका थाना अध्यक्ष जनता को दिनदहाड़े लूट रहा है। ये तो बस कहने की बात हो गई है बीरेन जी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात आपने क्लियर कर दी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं।